हेलो फ्रेंड्स, आई एम तेजवी के। यू वॉचिंग इंटरनेशनल लीक्स। इंडिया अब चाइना को उसी के बैकयार्ड में पालतू बना रहा है। मतलब इंडिया चाइना को अब उसी के एरिए में, साउथ चाइना सी में, चाइना की गुंडई का जवाब उसी की भाषा में दे रहा है। एंड इंडिया ने फर्स्ट बैच ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फिलीपींस को डिलीवर कर दिया है। और इस तरह चाइना द्वारा सताए जा रहे फिलीपींस को इंडिया ने चाइना की बुलिंग करने वाली टैक्टिक्स का इस्तेमाल चाइना पर ही कर दिया है। और ये टॉप प्लान्स एंड मूव्स इंडिया का अपने पड़ोसी देशों को एंड चाइना के विक्टिम्स देशों के साथ डिफेंस कोऑपरेशन को और भी ज़्यादा मजबूत करने एंड चाइना को काउंटर करने का है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडिया चाइना के साउथ चाइना सी में बढ़ रही मिलिट्री एक्टिविटीज को भी काउंटर कर रहा है। एंड इंडिया फिलीपींस को ही नहीं बल्कि वियतनाम एंड इंडोनेशिया को भी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सेल करने वाला है। एंड आज हम इस वीडियो में इंडिया की चाइना को साउथ चाइना सी में काउंटर करने की प्लानिंग एंड इंडिया का वियतनाम इंडोनेशिया को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक्सपोर्ट एंड साउथ चाइना सी में इंडिया कैसे चाइना की पुलिंग को काउंटर कर रहा है, सब कुछ डिटेल में डिस्कशन करेंगे और जानेंगे। इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। चाइना की एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी एंड साउथ चाइना सी में टेरिटोरियल क्लेम्स ने चाइना को 5 कंट्रीज के साथ डिस्प्यूट में डाल रखा है। एंड वो देश हैं ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया एंड ब्रुनेई। और आज चाइना पूरे साउथ चाइना सी में 60% हिस्से को अपना क्लेम करता है, क्योंकि साउथ चाइना सी एंड इसके आसपास के आइलैंड्स पर बहुत ही अधिक मात्रा में ऑयल, नेचुरल गैस, मिनरल्स के भंडार मौजूद हैं। एंड इसी रीजन में सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेड आइलैंड्स भी मौजूद हैं, जैसे स्पार्टले आइलैंड्स जिसमें 200 आइलैंड्स हैं, पारासेल आइलैंड्स एंड स्कारबोरो शोल। इसके अलावा वेरियस वाटर बाउंड्रीज जैसे गल्फ ऑफ टिनकॉन, नटूरा आइलैंड्स नियर इंडोनेशियन वाटर्स एंड सेनकाकू आइलैंड्स, सोकोत्रा रॉक, ये सब ईस्ट चाइना सी का पार्ट हैं। मतलब साउथ चाइना सी के आगे भी चाइना कई आइलैंड्स को कब्जा करना चाहता है एंड अपना क्लेम करता है। एंड रोज किसी न किसी आइलैंड्स के पास कभी किसी देश, किसी कंट्रीज के मैरीटाइम बाउंड्री में अपने मिलिट्री वेसल्स भेजता रहता है और अपनी दादागिरी कमजोर देशों को रोज दिखाता है। तो इंडिया ने भी चाइना को चाइना के ही घर में चाइना की दादागिरी को खत्म करने के लिए, चाहे वो साउथ चाइना सी हो या इंडिया चाइना बॉर्डर, सभी जगहों पर इंडिया चाइना को एंड चाइना की पुलिंग को काउंटर कर रहा है, जिससे आजकल चाइनीज मीडिया के भी होश उड़े हुए हैं। एंड लास्ट ईयर सबसे पहला मूव इंडिया ने तब चला था जब इंडिया ने फिलीपींस को लाइन ऑफ क्रेडिट सॉफ्ट लोन दिया था एंड फिलीपींस डिफेंस कॉर्पोरेशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने का डिसीजन लिया था। एंड 2022 में फिलीपींस ने इंडिया से $375 मिलियन की ब्रह्मोस मिसाइल की डील की थी एंड डिफेंस कॉर्पोरेशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मनीला में पहला डिफेंस अटाशे ऑफिस भी ओपन किया था। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि डिफेंस अटाशे क्या होता है। लेट मी एक्सप्लेन टू यू। डिफेंस अटाशे आर्मी का एक टॉप लेवल का ऑफिसर होता है एंड डिफेंस अटाशे को मिलिट्री डिप्लोमेट भी कहते हैं। और डिफेंस अटाशे अपने देश के आर्म्स वेपन्स को दूसरे देशों में प्रमोट भी करता है। डिफेंस अटाशे पर मैंने एक अलग से वीडियो डिटेल में बनाया हुआ है, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आई होप यू गॉट इट। नाउ बैक टू द टॉपिक। एंड इंडिया का नेक्स्ट मूव था जब लास्ट मंथ इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर की विजिट पर गए हुए थे एंड फिलीपींस की नेशनल सिक्योरिटी को सपोर्ट किया था। एंड फिलीपींस के साथ चाइना को साउथ चाइना सी में काउंटर करने के लिए डिफेंस, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन पर भी फिलीपींस सहित मलेशिया, सिंगापुर के साथ बातचीत की थी। देखिए, चाइना 60% साउथ चाइना सी को क्लेम करता है, लेकिन फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ताइवान एंड ब्रुनेई भी साउथ चाइना सी पर अपना क्लेम करते हैं। चाइना ने यहाँ पर सैकड़ों सेक्टेड वेसल्स एंड कोस्ट गार्ड वेसल्स डिप्लॉय कर रखी हैं, जो साउथ चाइना सी में किसी भी देश के मैरीटाइम वाटर्स में जबरदस्ती घुस जाते हैं
एंड इंटरनेशनल मैरीटाइम सी लॉ अनक्लॉस की भी धज्जियां उड़ा देते हैं, सारे रूल्स को ताक पर रख देते हैं एंड इंटरनेशनल मैरीटाइम सी लॉ अनक्लॉस के रूल्स को नहीं मानते हैं एंड कोई भी देश कुछ खास नहीं कर पाता एंड अमेरिका बस ताइवान, जापान, फिलीपींस को डेली बेसिस पर सपोर्ट करने की बात करता है, पर रियलिटी में इन देशों को सपोर्ट इंडिया से मिल रहा है एंड इंडिया का थर्ड प्लान एंड मूव है वियतनाम की आर्म फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने में, वियतनाम की हेल्प करना एंड वियतनाम के साथ ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल एंड आकाश मिसाइल्स की डील करना।